पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात अनेक कामे सुरू आहेत. त्याअंतर्गत माजी नगरसेवक मुकीत काझी यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रभाग क्रमांक 18 मधील पाडा मोहल्ल्यातील अंतर्गत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या या कामाचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते सोमवारी भूमिपूजन झाले. यावेळी माजी नगरसेवक नितीन पाटील, पंचायत समितीचे माजी सदस्य निलेश पाटील, जवाद काझी, सुफियान पटेल, निसार सय्यद, मतीन मास्टर, जावेद मास्टर, निसार पटेल, असलम मास्टर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. आज जो पाड़े मोहल्ले में कॉन्क्रीटिंग का काम स्टार्ट हुआ है, आज उसका भूमि पूजन था और परेश सेठ के हाथ से हुआ. इस मोहल्ले पर कई सालों से कोई भी नगर सेवक ने ध्यान नहीं दिया. आज जब इधर के जो नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक यहाँ बिल्कुल यहाँ जनता के साथ में नहीं, या जनता ने उनका बायकॉट बिल्कुल कर दिया है, इसीलिए परेश सेठ ने बोले कि अगर इधर का जो भी काम है, अब यहाँ तक के परिषद ने पनवेल महानगर पालिका के बड़े बड़े इंजीनियरों को, ऑफिसरों को बुलाए और यहाँ पर पूरा जायज़ा लेने लगाए कि कितना काम है. अभी टेम्पररी तो 25 लाख रुपए का काम पास कर दिए, जो कॉन्क्रीटिंग खड्डे हैं, बच्चे चल नहीं सकते, ड्रेनेज है, उसका काम, ये छोटा मोटा काम अभी हो रहा है. इससे पहले परिषद ने ही और नितिन भाई, इन्होंने दोनों ने मिल के आमदार प्रशांत ठाकुर साहब के नेतृत्व के नीचे उन्होंने ये काम पास किया था. जो ये रास्ता आपको दिख रहा है, इतना ज़बरदस्त रास्ता पास हुआ है. हालांकि ये कॉन्क्रीटिंग रास्ता है, मगर ये कॉन्क्रीटिंग रास्ता कब होगा, जब अभी स्टेपी प्लांट का जो काम बाकी है, जो ड्रेनेज का जो लाइन जो बाकी है, वो लाइन का काम होने के बाद फिर ये रास्ता फिर से कॉन्क्रीटिंग होने वाला है. इसके बाद जो याकूबगेट हाई स्कूल के बाजू में जो नाला बना, वो भी परेश सेठ, आमदार प्रशांत ठाकुर, इन्होंने इनके ही इससे पास कराया है. जो उसके ऊपर ध्यान हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिल के दिए, जिसमें हमारे नवीन पटेल साहब है, सुफियान है, इमरान पित्तू है, चावेज दुस्ते है, मतीन पटेल है, और मतीन मास्टर सॉरी, और बापू है हमारे, और उजैफ सेंदुले, अब्दुल बाकी अमान, और ऐसे कई असलम मास्टर वगैरह इधर रहते हैं, जावेद मास्टर, ये बहुत से अभी कई कार्यकर्ताओं को, मकसूद मास्टर, ऐसे लोगों ने इसको सपोर्ट करके उस नाले का काम पूरा किया है. अभी भी काम के अंदर थोड़ा बहुत काम बाकी है, जो काम इंशाल्लाह बारिश के बाद शुरू होगा. और लोगों को सबसे ज़्यादा पाँचों मोहल्ले के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ इधर है, पाड़े मोहल्ले में. पाड़े मोहल्ले का कम से कम बजट 2 करोड़ रुपए का है. क्यों? टोटल ड्रेनेज की लाइन एक दूसरे में मिल गई है, और लोगों को पानी पीने का भी पानी गटर का आता है. इसकी वजह से परेश सेठ ने स्पेशल इधर ध्यान दिया है, और परेश सेठ का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. पाड़े मोहल्ले के जनता की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि परेश सेठ ने यहाँ आए, इतना ध्यान दिए और कामों पर तवज्जा देते हुए काम शुरू किया है. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.